माइनक्राफ्ट में अपडेट आ गया है 1.20 का और इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करी गई हैं, कैमल आर्मर ट्रिम्स, न्यू बायोम और भी बहुत कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू अपडेटेड माइनक्राफ्ट को खेला जाए लेकिन हार्डकोर मोड पर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबे सीधा विलेजर के पास स्पॉन हुआ हूं मैं, ये क्या है भाई? बॉयसा ये मतलब लकीएस्ट स्टार्ट ना जिसे बोलते हैं, ये वो हो गई है बिल्कुल। अब इसमें मुझे कोई ना बस वो मिल जाए टूल स्मिथ भाई और मजा आ जाएगा। आर्मर स्मिथ या टूल स्मिथ कुछ भी मिल जाए मुझे भाई। यहाँ पे बेड वेड का सब जुगाड़ हो गया मेरा भाई, सब खतरनाक। खाने की तो कोई कमी है नहीं यहाँ पर, आयरन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काफी सारे कम है यार, यहाँ पे घर बहुत। और यहाँ पे मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिल रही भाई, क्या है ये? ओके लावा भी साइड में, बिल्कुल पोर्टल भी इधर ही बनाऊंगा मैं। नल्ले बैठे हैं सारे, पता है काम जॉब भी नहीं है बिल्कुल भी। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो रस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले मैं खाना और टूल्स वगैरह बना लेता हूं अपने। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे तीन टारगेट्स रहते हैं जो कंप्लीट करने होंगे मुझे। फर्स्ट जो मुझे कंप्लीट करना है वो रहेगा मेरा फुल्ली डायमंड के टूल्स मुझे बनाने हैं, और सेकंडली मुझे फुल्ली डायमंड आर्मर भी बनाना है। थर्ड जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा अपना एक प्रॉपर बेस बनाना है मुझे, जहां पर मैं अच्छे से रह सकूं। ऑलराइट, तो भाई यहाँ पे मैंने अपने आयरन का सामान बना लिया है, जो भी मुझे आयरन गोलम से मिला। स्टोन की तो जाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे ना इसके साइड में यहाँ पे गड्ढा है यार ये, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाया जाए, क्योंकि काफी सारे रिसोर्सेज मुझे दिख रहे हैं और मुझे आयरन भी मिल गया यहाँ पे। आयरन आर्मर वगैरह कम्प्लीट कर लेता हूँ अपना फटाफट से। मुझे 30 आयरन चाहिए होंगे, तो अब काउंटिंग करते हैं अपने 30 आयरन के लिए। और खाना मेरे पास बहुत सारा है अभी, तो मैं ना एक यहाँ पे बेड और ले जाता हूँ। अगर नीचे मुझे ज्यादा टाइम लगता है तो रात के टाइम पे ना मॉब बहुत स्पॉन होते हैं, तो बेड ले जाना सेफ रहेगा मेरे लिए। ओ भाई बहुत ज्यादा बड़ी केव है यार ये, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कुछ बॉम्ब वगैरह गिरा है वो विलेज में, और यहाँ से आधा उड़ गया विलेज ये। यहाँ पे इसकी बाउंड्री जा रखी है ना, और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि पानी है, तो मैं पानी से इजिली नीचे जा सकता हूँ। ओ भाई 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 भाई, व्हाट? ओबे भाई ये क्या है भाई? फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ सीन कि यहाँ पे बीच में स्पॉन हुआ और यहाँ पे बेड भी है भाई, सब खतरनाक। ओके तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हम, और फटाफट से मुझे आयरन लेना पड़ेगा नहीं तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो एक मिनट, मैंने एक गलती कर दी, मुझे अपनी शील्ड बनानी पड़ेगी। दो आयरन इंगट है ना मेरे पास, मैं शील्ड तो बना ही लो यार। ओके अब थोड़ा सेफ है मेरे लिए। तो देखता हूँ मैं कितने यहाँ पे कलेक्ट होते हैं मेरे पे आयरन और सब रिसोर्सेस। आयरन बहुत सारा है यहाँ पे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी इसकी। वो भाई क्या हो गया ये? अब मैं नहीं जा सकता नीचे जब तक मेरी हेल्थ नहीं जाएगी भाई साहब। बस इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार इनसे ना, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ यार नीचे, वरना स्पॉनिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओ नो, यहाँ पे यार बहुत सारे यहाँ पे मॉब स्पॉन हो रहे हैं। ओ शिट, मुझे ज़ॉम्बीज़ का इतना कोई डर नहीं है, लेकिन यार ये क्रीपर्स है ना, इन्होंने काफी ज्यादा मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पीछे से कभी भी आ गए ना, इनकी यार फुट स्टेप की आवाज भी नहीं आती है बिल्कुल भी। ओके अभी फिलहाल मैं इधर जाता हूँ। ओके 30 आयरन का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे थोड़ा सा लैपिस भी मिल गया यहाँ पर। अब है टाइम यहाँ पे सूट अप करने का, और इस केव में मुझे सही में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और भी आयरन है यहाँ पर। मैं अभी जाऊंगा बाहर, पहले मैं अपना सूट अप कर लेता हूँ। तो फर्स्टली थोड़ा सा रूम बनाया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार मुझे डिस्टर्ब करें ये ना सारे मॉब्स। तो फुल सूट अप मैंने कर लिया है, अभी के लिए मेरे लिए सेफ्टी जरूरी थी, तो इसलिए मैंने ये आर्मर बना लिया है अपना आयरन का। और अब तलाश में जाता हूं मैं सीधा डायमंड के, और होपफुली कि मुझे जल्दी मिल जाए भाई डायमंड वगैरह, क्योंकि बहुत नीचे आना पड़ता है। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं माइन करके और इजीली बना सकता हूं उन्हें, या फिर मैं विलेजर्स से ट्रेड करके और उनसे ले सकता हूं आर्मर को। तो फर्स्ट वाला उसमें भी काफी टाइम लगने वाला है, सेकंड वाला उसमें भी टाइम लगने वाला है। तो अब देखता हूं यार मैं नीचे जाके केव में ना जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। माइनशाफ्ट है वहाँ पे भाई, ये सच में बहुत ज्यादा बढ़िया सीड है यार मेरे लिए ना भाई सब। और उसके पीछे ना कोई अलग ब्लॉक वाली कोई यहाँ पे है, उसे भी देखना पड़ेगा यार, मैं उसमें गया नहीं हूँ कभी। डायमंड्स मिल जाए मुझे, इतना नीचे लेवल पे आ गया ना मैं, ओह शिट पूरी गैंग आ गई है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पे ना दूसरे पत्थर जो आ जाते हैं ना ब्लैक वाले, जहाँ पे डायमंड मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो वाले स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। ओ यहाँ पे कितना सारा आयरन है बे, एक मिनट भाई। डायमंड फाइनली डायमंड मिल गए मुझे, और ओ शिट बच गया यार, बहुत नीचे है ये तो।
ये शायद दो ही है अब भैया। चलो कोई बात नहीं, तीन है भाई डायमंड। नो, नीचे नहीं जाना चाहिए, मुझे एक पिकेक्स बनानी है अपनी। तो भाई मैं जो मुझे डायमंड मिला है ना, मैं उसका पिकेक्स अभी बना ही लेता हूँ यार मैं फटाफट। अच्छे काम में देरी कैसी। अब स्टार्ट होगा यहाँ पे असली सामान कलेक्ट करना, और जितना सब ये मिलता जा रहा है ना मुझे आयरन वगैरह, मैं जितनी देर हो सके यहाँ पे माइन करूंगा और सीधा फिर सामान सारा कलेक्ट करके मैं जाऊंगा सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सामान है भाई। ओके, तो अब मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ, रिस्क लेना पड़ेगा उस चीज पे मुझे सब कुछ मिल पाएगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। लेकिन यार यहाँ पे ना सीरियसली बहुत ज्यादा आयरन मिल रहा है मुझे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब कि चारों तरफ आयरन ही आयरन है बस। ओके, मुझे लग रहा है ये रास्ता ना सीधा माइन शाफ्ट को जा रहा है, तो सीरियसली माइन शाफ्ट में मिल रहा है डायरेक्टली। कुछ मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर भाई आयरन एकदम बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा है मुझे। ये रही यहाँ पे चेस्ट, इसी का मुझे इंतजार था। ब्लास्ट प्रोटेक्शन दे दो यार, जो भी हो अब तो कुछ भी चलेगा। रेड भी चाहिए मुझे, पम्पकिन शीट की कोई जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत नहीं। टॉर्चेस दे दो यार, काम ही आएंगे मुझे। एक और मिली नीचे यहाँ पे, इसमें क्या है? अब कुछ करना पड़ेगा पक्का भाई, अब तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एनविल बनाने वाला हूँ, और साथ में ही बस एनविल बना के ना मैं अपने यहाँ पे डायमंड की इस पे लगाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 100% फॉर्चून 3 लगाने वाला हूँ भाई। डायमंड मुझे मिलेंगे ना काफी ज्यादा मेरा काम अच्छा हो जाएगा। तो अब फटाफट ना मैं यहाँ पे फर्नेस लगा दूं। बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं इसमें यहाँ पर आ गया और मुझे यहाँ पर ही फॉर्चून 3 मिल गई। और अभी और स्मेल्ट करने का ना कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं इसे रख ही लेता हूँ सबको सामान को। बाद में ना ऊपर जाके सब सॉर्ट करूंगा मैं, और सब कुछ अलाइन करके रखना पड़ेगा। फाइनली भाई ऊपर आ गया हूँ मैं, पता नहीं कहाँ घुस गया था, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था ऊपर आने का। अब टाइम है यहाँ पर इन विलेजर्स को कैप्चर करने का, और इनसे ट्रेडिंग हॉल बनाना पड़ेगा मुझे। अभी छोटा ही बनाऊंगा यार, अभी मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फुल इनके लिए बना दूं। इनको हटा के ना यहाँ पे मुझे फ्लेचर्स बनाने पड़ेंगे। एमरल लेना उनसे बहुत ज्यादा इजी है अपने स्टिक्स को ट्रेड करके। तो अब मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेडिंग हॉल, जिसमें 2-3 रहेंगे मेरे विलेजर्स जो मुझे सामान प्रोवाइड करेंगे, और ब्लास्ट फर्नेस वगैरह भी मैं लगा ही दूंगा। और उससे भी पहले यार मुझे यहाँ पे सामान अपना सब सॉर्ट करना पड़ेगा भाई, मैं इस चर्च में यार सब कुछ रख ही देता हूँ मैं। ऑलराइट, तो मेरा मिनी सेटअप रेडी है यहाँ पर, सब सामान मैंने इसमें लोड कर दिया है, और अब मुझे स्टोन्स चाहिए होंगे जिससे मैं यहाँ पे विलेजर्स का एक सेटअप बना सकूं, जहां मैं इन सबको रख पाऊंगा अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्टोन कलेक्ट करना। स्टोन तो यहाँ भर भर के भाई, ये तो भाई मुझे रखना पड़ेगा। ओए भैंस की आंख, ये क्या हुआ भाई, मैं उसे कैप्चर करने के लिए ले रहा था, क्या है ये। आई थिंक अब मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए भाई, और थंडरस्टॉर्म होने का तो मतलब ही नहीं बनता है कोई। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि इतनी क्वांटिटी काफी है यहाँ पर, और ये सब कोबल स्टोन को ना मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा खाली स्टोन में। तो स्मेल्टर में लगा देता हूँ इन्हें मैं घर जाके। ओके, तो 2 स्टैक के करीबन मेरे पास ना स्टोन ब्रिक तो ले लिया मैंने, तो अब मैं ना इनकी जगह बनाना स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मैं इन विलेजर्स को रखूंगा अभी फिलहाल। तो ये मिनी ट्रेडिंग हॉल होने वाला है, तो इस जगह पर मैं बना देता हूँ। इसमें 3-4 स्लॉट होंगे जिसमें कि मैं 3-4 कुछ चुनिंदा अपने विलेजर्स को रखूंगा जिसका मुझे काम रहेगा। तो मैं उसे फटाफट बनाना स्टार्ट करता हूँ पहले। ऑलराइट, तो मैंने कुछ इस तरह का यहाँ पर बनाया है यहाँ जुगाड़, जहाँ पर मैं अपने विलेजर्स को रखूंगा अंदर, और इनकी सीधा वर्क प्लेस यहाँ पर ही सेट कर दूंगा, तो कहीं जाएंगे नहीं वो। लेकिन एक इश्यू आ रहा है कि यार यहाँ पे ना बस मुझे 2 ही विलेजर्स दिख रहे हैं, और विलेजर्स पता ना कहाँ चले गए यार। मुझे लग रहा है या तो मर गए इधर उधर जाके, या फिर कहीं और ही गायब हो गए। तो मुझे अब इनकी पहले ब्रीडिंग करानी पड़ेगी दोनों की, जिससे कि यहाँ पे और भी विलेजर्स आ जाएं और कुछ मेरा काम बढ़े आगे इससे। लेकिन इसे ना अपने घर के पास ही रखूंगा, मैं एक रूम ही बना देता हूँ ना जहां पर इनकी ब्रीडिंग में इजीली करा पाऊं। ऑलराइट, तो सारा सेटअप मैंने कर दिया इनकी, और सब माहौल मैंने सेट कर दिया, बस अब इनकी बारी है बस।
ऑलराइट गाइस, भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया मुझे इन विलेजर ने यहाँ तक आने में ना, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया मेरा। और ये ना अंदर घुस के नहीं दे रहे, तो पता नहीं कैसे किस तरीके से मैंने इन्हें डाला इसमें। और जो जो मुझे अभी के लिए चाहिए थे वो मैंने सारे विलेजर कर दिए हैं रेडी ट्रेडिंग के लिए। और तीन मैंने फ्लेचर बनाए हैं, दो बनाए हैं आर्मर और दो बनाए हैं मैंने टूल्स भी। इनसे मुझे काम बढ़ेगा, तो अब इनसे ट्रेड वगैरह स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मैं स्टिक से ही पहले एमरल वगैरह सब करता हूँ मैं, और इनका भी कोल से करना पड़ेगा यार मुझे ना। कोल ज्यादा मेन है यार, दोनों ही कोल में आ रहे हैं ये ना, जब इनका लेवल बढ़ेगा। तो अब निकलता हूँ अपने कोल के हंट पे। कोल मुझे मिलना चाहिए और मुझे वुड भी काफी सारी चाहिए होगी यार। कोल और वुड तो मुझे बहुत ज्यादा चाहिए होगा। कोल मिलना ना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्च्यून की 3 की है ना मेरे पास ये, तो डबल ट्रिपल मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। फ्लेचर को अपग्रेड करने के लिए इतनी वुड तो काफी होगी, इससे ना फिर ये अपने टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो वहां पे से मुझे अच्छी लूट भी मिल जाएगी इनसे, और एमरल भी काफी सारी मिल जाएगी मुझे, तो इतना ठीक रहेगा। और मैं इसे ना अभी फिलहाल के लिए मैं इसे ना चेस्ट में डाल देता हूँ यहाँ पे। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कोल कलेक्ट करने के लिए। बार बार यार इनसे ट्रेड करो, फिर जाओ ट्रेड करो, इससे अच्छा ना एक बार में चले जाओ तो ही वो अच्छा है। तो मैं यहाँ पे एक ना चेस्ट लगा देता हूँ यार। ओके, तो मैं इन पहाड़ों की तरफ जाने वाला हूँ आई गेस, जहाँ पे मुझे मिलेंगे सही से कोल वगैरह। मिलने तो चाहिए यार, पहाड़ों में मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, ज्यादा स्टोनी एरिया में ना ऊपर सरफेस पे ही दिखने लग जाते हैं। ओके, तो वो रहा वहाँ पे कोल ही दिख रहा है यार यहाँ से मुझे, तो अब मेरा शायद काम बन जाएगा। ओ, मुझे एक और विलेज मिल गया यहाँ पे। घर तो यार बहुत सारे है इसमें, एक बार देखना पड़ेगा जाके, क्योंकि जिस वाले विलेज में मैं स्पॉन हूँ यार उसमें बस कुछ ही घर हैं, एक दो और वो भी खाली पड़े हैं बिल्कुल, उसमें भी कुछ है नहीं। हॉर्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, खाना तो यार भर भर के है भाई। ओके, इनके अंदर यार कुछ बढ़िया सा मिल जाए ना मुझे, यहाँ पे कुछ डायमंड वगैरह मिल जाए तो बढ़िया। भाई बच्चा कूद रहा है यहाँ पे। ओके, एप्पल्स हैं इसमें, एप्पल्स रख लेता हूँ यार मैं। पोटैटो फेदर इसका कुछ काम नहीं है, क्या करूंगा मैं उसका वैसे भी। ओके, इसमें मिली मुझे एक चेस्ट, लेकिन इसमें लेदर का सामान होगा मुझे लगा ही था। ये लेदर वाला खड़ा है ना बाहर, इसी का सामान रहता है इसके अंदर। आर्मर नहीं मिल रहा मुझे, आर्मर जो बनाता हो या टूल बनाता हो, और कुछ नहीं मिल रहा, उल्टी सीधी चीजें सारी मिल गई है। ओके, तो कोल मेरे पास अभी इतना कलेक्ट हो गया है, मैं सोच रहा हूँ की और मैं थोड़ा सा कलेक्ट कर लूं घर जाते जाते बीच में। ओके, तो भाई इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये सब मेरे पास कोल कलेक्ट हो गया है, और इसे भी मैं अब डालता हूं इसके अंदर। मैं सामान सॉर्ट कर लूं, मैं फिर इनसे ट्रेड करता हूं लगातार कंटिन्यू करके। ओके, अब है बारी इनसे ट्रेड करने की, और देखता हूं मैं कहां तक पहुंचता हूं इनसे ट्रेड करता हुआ। तो स्टार्ट करता हूं ट्रेडिंग अपनी। ओ भाई, फाइनली यहाँ पे अपनी डायमंड की मुझे चीजें देना स्टार्ट कर दिया, और एफिशिएंसी 3 लग रही है इस एक्स पे, काफी बढ़िया रहने वाली है। और ये क्या घटिया ट्रेड है, क्या है ये, लेकिन कुछ भी हो लेकिन ये मिल गए मुझे अभी एक्स, और मैं इसे चाहे तो ले सकता हूँ अभी, लेकिन अभी मुझे और इसे अपग्रेड करना पड़ेगा, और इसमें अपग्रेड मैं कैसे करूंगा मुझे नहीं पता चल रहा। या तो मुझे एमरल से ही ये खरीदने पड़ेंगे जब इसका ये एक्सपर्ट लेवल पे चला जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है यार मुझे, और मेरे पास आयरन भी अभी इतना है नहीं, और ये आयरन में ले भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, इसे अभी होल्ड पे रखते हैं, और अभी आर्मर को अपने सेट करता हूं मैं। ओके, तो आर्मर का भी मैंने यहाँ पे अनलॉक कर दिया डायमंड का सूट अप, थोड़ा सा महंगा दे रहा है लेकिन इसने भी स्टार्ट कर दिया डायमंड का देना। चाहे तो अब मैं इसे ले भी सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा मैं, और जब मेरे पास टोटल होगा ना फुल सेट मैं एक साथ में ले लूंगा। और ये तुम देख सकते हो उसने क्या ही ट्रेड करी है मेरे से, अभी लिटरली शील्ड दे रहा है मुझे ये। A few moments later. Finally, भाई इसने पूरा अनलॉक कर दिया आर्मर डायमंड का, और मैं इसे ले भी सकता हूँ। एमरल्ड शायद है मेरे पास, एक बार लेके देखता हूँ यार मैं। ओके, तो चेस्ट प्लेट मेरे पास आ गई है, और हेलमेट आ गया मेरे पास, शूज भी आ गया मेरे पास, और लेगिंग्स भी आ गए। पूरा का पूरा मेरे पास डायमंड आर्मर आ गया है, और ये तुम देख सकते हो कितनी जल्दी मैंने इक्विप कर लिया डायमंड आर्मर। और अब बस जो मेरा टास्क बचता है, मुझे डायमंड के टूल्स बना लेने हैं पूरे के पूरे, तो उसके लिए बस अब ये मेरे कुछ ना ट्रेड अपनी ओपन कर देना यार, तो यहाँ से मेरा काम बन जाएगा सीधे से। इसी इन्हीं के लिए रे बैठा हुआ हूँ मैं सही में, वरना मेरा तो यहाँ काम जल्दी हो ही गया, अनलॉक हो गया, सब मिल गया मुझे इसमें। ऑलराइट, तो एक को तो मैंने मास्टर बना दिया है, और इसने मुझे एक एक्स दी है, और ये अब सेकेंडली प्रोवाइड कर रहा है मुझे अपनी एक पिकैक्स। तो पिकैक्स भी मैं ले सकता हूँ, वैसे एफिशिएंसी लगी हुई इस पे एफिशिएंसी 2, तो वो भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ना अब क्या चाहिए होगा, मुझे शवल चाहिए होगी। तो अब मुझे शवल के लिए तो इस
वाले को पहले फुल अपग्रेड करना पड़ेगा, तो टूल्स उसी से बनेंगे मेरे। मेरे लिए तीन ही टूल्स होते हैं जो मुझे अभी चाहिए होंगे, जैसे कि एक्स हो गई है और पिकैक्स हो गई है, एक सवल हो गई है डायमंड की। तो और मुझे सॉर्ड के लिए ना फिर मुझे ना वेपन स्मिथ को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई वेपन स्मिथ में साइड में ना लगा सकता हूँ कुछ बना के ना, एक वेपन स्मिथ भी चाहिए होगा यार मुझे, सॉर्ड वगैरह भी ले सकूँ उससे डायमंड की। ऑल राइट, तो वेपन स्मिथ भी बना के रेडी कर दिया मैंने और अब बारी है इसको फुल्ली अपग्रेड करने की। ये देखते हैं यार कौन सी मुझे सॉर्ड वगैरह जो भी मतलब देता है के, तो इसे भी आयरन चाहिए होगा यार, आयरन ना अच्छी डील देता है वैसे तो ये। ओके तो नीचे केव में जाना ही पड़ेगा मुझे दोबारा से आयरन को कलेक्ट करने के लिए। एक लंबे सेशन के बाद माइनिंग के मुझे कुछ ये सब मटेरियल मिल गया यहाँ पे, और कोल भी मुझे 3 stack के करीबन मिल गया है, और 3 stack ही मुझे यहाँ पे आयरन भी मिल गया अभी। तो अब जल्दी से स्मेल्टिंग में लगाता हूँ मैं और फिर देखता हूँ भाई क्या मिलता है मुझे ट्रेड में उनसे। ओ भाई स्माइट 2 अनब्रेकिंग 2 और नॉकबैक 114 में खाली मुझे चाहिए बिल्कुल भाई। अब बस मेरे ना एक चीज रह रही है कि मुझे एक शवल चाहिए और एक हो चाहिए। हो भी वैसे लग रहा है मुझे ये प्रोवाइड कर देगा दूसरा वाला बंदा ना, ये भी करते हैं लेकिन इसने ना यहाँ पे डायमंड की इस एमरल्ड से कर दिया है कन्वर्ट। इस पर देखते हैं भाई ये बंदा क्या करता है, कुछ तो दे दे भाई, तू ही दे दे, तेरे पे भरोसा है मुझे, क्योंकि आयरन तो अभी है मेरे पास काफी, तो इसकी तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ देखा मैंने बोला था ना कि आयरन में मानेगा ये, देखा बोला था ना मैंने डायमंड की हो पक्का देगा ये, और इसने वही कर दिया काम और डायमंड की हो दे रहा है। वैसे भी 3 में दे रहा है यार खाली है। ओके तो यार इस बंदे से मैंने ट्रेड किया है पूरा एडवांस करते हैं, लेकिन ये भी मुझे ना पिकैक्स ही दे रहा है, और ये दे रहा है अनब्रेकिंग 3 और फॉर्च्यून 2 की पिकैक्स दे रहा है मुझे, तो ये डील थोड़ी मुझे सही लग रही है वैसे, लेकिन 2 फॉर्च्यून की हो जाएंगी, मैं इन्हें कंबाइन ही कर दूंगा वैसे, मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपने फॉर्च्यून 3 वाली में ना अनब्रेकिंग 3 मिल जाएगी, तो मेरे बेनिफिट ही हो जाएगा। तो ये फाइनल मेरी पिकैक्स बनकर रेडी है। ऑलराइट तो पूरा का पूरा मैं कवर हो चुका हूं डायमंड में, और मेरा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया है, फुल डायमंड आर्मर और फुल डायमंड के मेरे टूल्स बन चुके हैं, और इसमें मुझे ना डायमंड की शवल नहीं बनी है, बस उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, शवल की जरूरत ही क्या होती है, चलो इसे छोड़ दे हम। लेकिन जो मेन चीजें थी वो सब बन के रेडी हो गई है मेरी, ये मेरा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया है, और अब बढ़ते हैं थर्ड टास्क की तरफ जो की है ऑसम सा घर बनाना है अपना। तो मैं ना विलेज के थोड़ा सा आगे जाके इस साइड पे बनाने की सोच रहा हूँ, ये प्लेन है थोड़ा एरिया ना, इसको और भी प्लेन कर दूंगा मैं, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये विलेज टाइप का ही घर बनने वाला मेरा, थोड़ा फैंसी वगैरह नहीं बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा मतलब फार्मर टाइप जिसे वाइब आए उस टाइप का मैं घर बनाऊंगा, तो वो मेरे दिमाग में है। तो उसके लिए मुझे सामान चाहिए होगा, और सामान में इसका अच्छा खासा लगने वाला, इतना ज्यादा भी सामान नहीं लगेगा लेकिन हाँ कुछ तो सामान लगेगा ही। तो अब मैं फटाफट से ना सामान सारा कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टूल्स वगैरह तो अब है ही मेरे पास। तो इसमें 2-3 टाइप की वुड लगेंगी, तो वुड वगैरह मैं भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और 2-4 चीजें और हैं, स्टोन्स एंड साइड्स ये सब भी लगेगा, तो फटाफट से मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया जो जो मुझे चाहिए होगा अभी घर को बनाने के लिए। इन दोनों चेस्टों में सारा सामान है भाई, मतलब बहुत दूर दूर जाना पड़ गया मुझे इन सब सामान के लिए। पारी है मेरे घर को बनाने की, तो घर मैं इधर ही बनाऊंगा, तो इस एरिया को पहले प्लेन कर देता हूँ सही से मैं, और फिर उसके ऊपर बनाऊंगा मैं बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज के बाद पूरा घर का स्ट्रक्चर, और फिर बना के रेडी हो जाएगा मेरा घर। अब पहले स्टार्टिंग करता हूँ मैं यहाँ पे क्लियर करने से, काफी ज्यादा घास फूस है यार यहाँ पे नीचे। ऑलराइट तो पूरा चकाचक कर दिया मैंने क्लीन एकदम, और अब बारी है यहाँ की बाउंड्रीज बनाने की। ओके तो पिलर बेस मैंने बना दिया जहां से ये बनना अभी स्टार्ट हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर घर का, और साइड में आगे पीछे जैसे भी रहेगा वो बनाता रहूंगा, और अब बारी है यहाँ के आगे का काम करने की। ऑलराइट तो पिलर भी बन के रेडी हो गए हैं, और इतने में ही घर बनेगा भाई, ऊपर फ्लोर भी बनेंगे इसके, और नीचे फ्लोरिंग भी कर दिया मैंने, ऊपर का काम अभी बाकी है बस, और यहाँ से वॉल्स भी लगाना मैं स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट से, तो उसे भी करना स्टार्ट करता हूँ मैं। ऑलराइट वॉल्स मैंने बना दी यहाँ पे ये, तो वॉल में मैंने क्या किया, मैंने मिक्स किया है 3 स्टोन्स का एक साथ, तो काफी अच्छा लुक निकल के आ रहा है, और ऐसे ही मैं ना थोड़ा मिक्स करके बनाते हैं ना यार, काफी बढ़िया लुक आता है, और ये तुम देख ही सकते हो अभी। अब मैं ना ऊपर का काम भी स्टार्ट कर देता हूँ, अंदर का इंटीरियर भी बाद में डिजाइन करेंगे, लेकिन अभी पहले ऊपर की बाउंड्रीज वगैरह बनानी है, और भी बहुत कुछ करना है मुझे, तो मैं फटाफट से वो भी काम करता हूँ अभी।
ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर बनके रेडी हो गया है और ये तुम देख सकते हो डिजाइन कैसा बनाया मैंने भाई, बढ़िया बनाया सही में। ये ज्यादातर ना अच्छा इस वजह से लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा मिक्स किया स्टोन्स का ना आगे पीछे से करके, थोड़ा बढ़िया लग रहा है। और ये और इसमें ट्रैप डोर स्लैब्स वगैरह सब लगाए हैं तो इसलिए रूफ भी काफी बढ़िया लग रही है। अंदर का भी इंटीरियर डिजाइन देना, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लोर होगा जिसके ऊपर भी वहां पे मैं काम करूंगा। तो अभी आउटर का मैं काम कर रहा हूँ जितना भी है ये, और अब इसमें लाइटिंग वगैरह करनी है जिससे कि चारों तरफ उजाला रहे। फिर इसके आसपास का भी काम करूंगा अभी मैं, जहाँ पे मैं थोड़े डेकोरेशन करूंगा इसके लिए। और अब मैं लाइटिंग लगाना स्टार्ट करता हूँ इसकी। ये देखो अब तुम डिटेल्स ऐड करने के बाद कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये, और इसमें छोटी छोटी डिटेल्स है ना वो सब मायने रखती है भाई। अगर हम ये नहीं ऐड करें तो बिल्कुल प्लेन लगता है, जैसे मैंने अभी पहले तुम्हें दिखाया था ना उस तरह से प्लेन लगता है। और जैसे छोटी छोटी डिटेल्स है ना ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जैसे मैंने फेंस गेट लगाया है चारों तरफ पे और यहाँ पे विंडोज रखी है मैंने, ऊपर डेकोरेट किया है मैंने, तो ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में भी। बाहर का इसी के साथ मेरा काम कम्प्लीट होता है। और भी बाकी सारी चीजें हैं कुछ ऐड करनी है मुझे, छोटी छोटी डिटेल्स है, लेकिन जो बड़ा बिल्डअप मेन काम होता है ना वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब बस मुझे इंटीरियर डिजाइन करना है अपना बढ़िया सा। अंदर की साइड पे मैंने दो डोर रखे हैं अपने आने जाने के, किसी भी साइड से मैं आ जा सकता हूँ उसकी तो दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर जाने का भी रास्ता बनाऊंगा मैं यहाँ पे। मैंने जानबूझ के इतना छोटा हाउस चुना इसलिए कि मुझे ना कॉम्पैक्ट सा चाहिए, ज्यादा बड़ा रख के भी कोई फायदा होता नहीं है उसका। ओके तो अब मैं काम स्टार्ट करता हूँ अंदर का। ऑलराइट, इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद और इतने टाइम के बाद मेरा घर बनकर रेडी हो गया है। और भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है बाहर से भी और अंदर से भी, तो तुम्हें मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये रहा मेरा घर, ये देखो भाई तुम डिटेलिंग देखो भाई कितनी मस्त लग रही है सही में। एक एक डिटेल ना सही में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है एकदम। तुम्हें पहले बाहर का मैं दिखा देता हूँ क्या क्या सिस्टम है यहाँ पर। तो यहाँ से मेरी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बाद साइड में आके हॉर्स का है हाउस थोड़ा सा, लेकिन अभी मेरे पास हॉर्स नहीं है ना, लीस है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये खाली है अभी। तो जब हॉर्स होगा मेरे पास तब मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ से डायरेक्ट गेट है हॉर्स के, इसके लिए हॉर्स चाहिए तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से लेके मैं जा सकता हूँ बाहर। और यहाँ से आता है मेरा ये मेन गेट, और मेन गेट के साइड में छोटी सी डेकोरेशन है। यहाँ पर ये कटर्स वगैरह रखे हुए हैं, ये चेस्ट है जिससे मैंने अभी सामान लिया था ना, ये सारे अंदर रख दूंगा मैं। और यहाँ पे लॉक्स रखे हुए हैं वो भी बाइंड अप होके, जिससे ये कहीं जाए ना। देख रहे हो थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है बिल्डअप्स में जब भी बढ़िया लगे। और क्राफ्टिंग टेबल है, और ये क्या है, ये तो टैप है उसमें से पानी आ रहा है इसके अंदर डायरेक्टली, वाओ। और यहाँ पे कैंप फायर है, दो सीट्स हैं बैठने के लिए, और चेस्ट स्टोरेज है बाहर में, अपना रैंडमली कुछ भी हम रख सकते हैं जो भी चाहें। और पीछे भी लॉक्स रखे हुए हैं बैक साइड घर के, और यहाँ पे भी थोड़ी सी बैरल्स वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ पे फ्लावर है, और ऊपर देखोगे तुम तो ऊपर एक चिमनी है, उसके अंदर भी कुछ है, वो भी तो मैं अभी दिखाऊंगा मैं अंदर जाके। तो घर के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ से हम ऐसे भी जा सकते हैं डायरेक्टली खोल के भी जा सकते हैं। ये रहा अंदर का, छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंट्री करते यहाँ पे ऊपर जाने का है मेरा रास्ता। और यहाँ पे देखो भाई किचन एरिया, देख रहे हो तुम किचन एरिया, सही में ऊपर स्टोरेज है जिसमें मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जो मेरा मन करे खाने पीने का जो भी रखना है रख सकता हूँ मैं, या फिर मैं कोल वगैरह रख सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस है, स्मोकर है जिसमें से स्मोक भी निकल रहा है, और ये पता है मैंने कैसे किया है, इसके नीचे मैंने कैंप फायर लगाई है जिससे कि ऊपर ये स्मोक आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। और नॉर्मल फर्नेस भी रख दिया मैंने, और यहाँ पे छोटी छोटी विंडोज भी हैं, और यहाँ पे ये पोशन मेकिंग के लिए मैंने ब्रूइंग स्टैंड रख दिया है। अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर। तो यहाँ पे एक ट्रैप डोर है, हम इसे बंद कर सकते हैं, ऊपर नहीं आए तो। सामने एक चेस्ट आती है और एक विंडो जिससे हम बाहर देख सकते हैं, पेंटिंग, और यहाँ पे फ्लावर पॉट, और पीछे ये बेड मेरा जहाँ पे मैं सो सकता हूँ, और उसके साइड में छोटी डेकोरेशन चीज, इनका तो वैसे कुछ काम है नहीं, कुछ अगर बैनर बनाना हो तो बना सकता हूँ मैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक विंडो विद दो चेयर और एक टेबल, कुछ यूज नहीं आ रहा वैसे इनका, लेकिन मैंने बना दिया। ये देखो जो चिमनी थी ना, ये है वहाँ का ये सिस्टम। और यहाँ पे मेरी सीक्रेट चेस्ट जहाँ पे मैं कुछ भी सामान रख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ के अपने तीनों तरफ का यहाँ पे नजारा ले सकता हूँ। यहाँ से मुझे विलेज का दिखता है, यहाँ से सामने का, और यहाँ से घर के पीछे का। ऑलराइट, तो यही था मेरा बिल्डअप, और अभी तक तो मेरा सब कुछ बेस्ट रहा जो जो मैंने करना चाहा, और मेरे तीनों टारगेट पूरे हो चुके हैं। डायमंड का
आर्मर मैंने फुल एक्यूप कर लिया है और डायमंड के सारे टूल्स बना लिए मैंने और अपना एक ऑसम सा घर भी बना लिया मैंने। तो माइनक्राफ्ट में जो जो नई नई चीजें ऐड करी गई है ना वो सब भी मुझे देखनी है भाई। अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा है क्योंकि मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, चेरी ब्लॉसम बायोम नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे घर के आसपास। तो मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे ट्रेवल करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा इधर उधर उस सबको देखने के लिए। तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपने वर्ल्ड को और देखता हूँ मैं और आगे क्या करता हूँ। और इसमें आर्मर में ना काफी सारे चेंजमेंट भी आए हैं तो वो सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो होप कि आपके वीडियो अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।